नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम नीति को लेकर लगातार किसान इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार दिल्ली में किसान नेता और किसान जो अफीम किसान है वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगे है कि इस आने वाली अफीम नीति 2022-23 में परिवर्तन करके उनकी मांगे रखी जाए और किसानों को राहत दी जाए। ऐसे में बात किया है तो दिल्ली में किस तरीके से आंदोलन किया और किस तरह की बात जो है उनकी नेताओं ने मानी है, इसे लेकर बात करते हैं। मांगीलाल जी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे किसानों के साथ, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मांगीलाल जी, किस तरह का आंदोलन था और क्या आपकी चर्चा हुई है? वॉइस ऑफ एमपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत के सुनने वाले दर्शकों का धन्यवाद, साधुवाद। वॉइस ऑफ एमपी को सैल्यूट है जो हमारे दिल के दर्द को 2008 से लगातार सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। अभी हम दिल्ली से हम लोग घर पहुंचे हैं और अफीम खेती की नीति 2022-23 देश में किसान ऐसे ही बने, क्योंकि लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहते किसानों के घर पे भी घी के दीपक जले। तो हम 1997-98 में जिन किसानों ने अफीम खेती की है और वर्तमान में उनका किसी भी कारण से कटा हुआ कट्टा है, चाहे वो गियर से हो, चाहे वो गार्टा से हो, चाहे वो वाटर मिक्स से हो, चाहे वो सबसेक्टेड से हो, चाहे वो लो मार्किंग से हो, चाहे किसी भी कारण से कटे हुए अफीम पट्टे, सभी अफीम पट्टे समान आरी के लुवाई पीड़े के दिए जाए, सौंपा गया मार्फिन नियम समाप्त किया जाए और मार्फिन के आड़ में जो सीपीएस लाया गया है उस पद्धति को बंद किया जाए, क्योंकि हमने कभी भी सीपीएस नहीं मांगा था। देश किसानों का है, देश किसानों का है, सरकार गरीबों के हिस्से की है, तो सरकार हमसे वन टू वन बात करे ना। बड़े बड़े उद्योगपतियों से समझौता करके हमारे गले में सीपीएस की घंटी बांध रही है। माना कि हम गलत हैं। सबके सब नेता बड़े समझदार हैं, सबके सब अधिकारी समझदार हैं, तो सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप का नाको टेस्ट कर दो। शशांक यादव जो 16,32,410 रुपए से पकड़ा गया है, एसीबी ने ट्रेस किया है, और इतना ही नहीं, नीमच और ग्वालियर अफीम फैक्ट्री का जनरल मैनेजर शशांक यादव पकड़ा गया है। एक नीमच फैक्ट्री का एक कर्मचारी है जिस कर्मचारी ने पट्टे के नाम पर एक महिला किसान के साथ किस प्रकार की घटिया हरकत की है, अब हम फोन पे, ऑनलाइन पे, टीवी पे सामने बता भी नहीं सकते हैं। ये हमारा दर्द है। और अफीम का जो मूल्य है इंटरनेशनल मार्केट को मानक मान करके अफीम का मूल्य किसानों को दिया जाए, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक समझौता हो रखा है उसको रद्द किया जाए, जिसमें कृषि और कृषि के आधारित जितने भी उत्पाद है उसको विदेशों से आयात बंद किया जाए, और दोरा चूरा जो होता है, गाय दूध देती है तो गाय गोबर नहीं देती है क्या, दोरा चूरा को NDPS एक्ट से बाहर निकाल करके आबकारी विभाग में दिया जाए। ये हम राजस्थान, मध्य प्रदेश के 100 से अधिक किसान जो 2008 से आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके, भारत सरकार, प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, वित्त राज्य मंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से देके आए हैं, और हम अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के साथ गहरी पहुंचे हैं। वॉइस ऑफ एमपी का धन्यवाद। आप थोड़ा मजबूत प्रश्न पूछिए जिससे नेताओं की आंखें खुले, जिससे अधिकारियों की आंखें खुले, और बोले किसान जो डरे हुए हैं उनका डर भी बाहर निकले। साहब मांगीलाल जी, सबसे बड़ी बात ये है कि किसान भी आपके साथ एकजुट से दिखते नहीं है, क्या कारण माना जाए? किसान नहीं एकजुट होने का कारण नेता है। नेताओं ने अफीम खेती की फसल को वोट की फसल बना दिया है, जब चाहे वोट की फसल का आदमी हो अफीम के फंदे को कम ज्यादा कर दिया जाए, जैसे पंखा चलता है उसका रिमोट चलता नहीं चलता है, पंखा ज्यादा तेज चलाना है तो उसका वो बटन तेज करते हैं, पंखा कम चलाना है तो बटन को मोड़ा कर देते हैं। ये अफीम आज नेता है नेता भी नहीं थे, आज अधिकारी अधिकारी भी नहीं थे, आज हम किसान और किसान के बेटे हम भी नहीं थे, पांच पांच आदि नहीं 50-50 की अफीम पैदा होती थी, वो अफीम विदेशों में निर्यात होती थी और 1,60,000 किसान 50-50 की खेती करते थे, आज मात्र 50-60,000 किसान 5-6 की खेती कर रहे हैं, वो अफीम की खेती षड्यंत्र पूर्वक लालची नेता भ्रष्ट अधिकारी घटिया करके किसानों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर रहे हैं। मांगीलाल जी, नई अफीम नीति में अगर आपके मांगे जो है वो बदलाव नहीं होता तो क्या माना जाए, एक बार फिर किसानों को निराशा मिलेगी? जैसे मांगे प्रधानमंत्री महोदय, जब हम 2008 से आंदोलन कर रहे थे तो 23/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पर आकर के हमको परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे बहाली का आश्वासन दे चुके हैं, और उसके 3 दिन बाद
2013 को जो इस दुनिया में नहीं है, हमारे नेता थे सुषमा जी स्वराज, उन्होंने बड़ी जबरी में आकर के हमको आश्वस्त किया था। तो जिस प्रकार से तीनों काले कानून रद्द हुए थे, ठीक उसी प्रकार से हमारे किसानों की जीत होगी और हर घर में जिनके दिक्कत होंगे, मतलब 1997 में जिस किसान ने अफीम खेती की थी और वर्तमान में खेती कर रहे हैं, सभी किसानों को समान आरी के लोहे चाहिए कि अफीम पत्ते मिलेंगे 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 जरूर मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, आप किस बात का मेक इन इंडिया बना रहे हो। हमारा मेक इन इंडिया जो आप मेक इन इंडिया का नारा भी नहीं था तब बड़ा बड़ा है, मेक इन इंडिया का इन भ्रष्ट अधिकारियों ने गोबर बना डाला है। इन भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कीजिए और हमको 1-to-1 बात कीजिए और बहुत जल्दी हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश के किसान 26 सितंबर को चित्तौड़ की कलेक्ट्री पे बहुत बड़ा विशाल 2 घंटे का अपनी मांग को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने का रूपरेखा बना रहे हैं। इसलिए नरसिंहदास जी प्रयासरत है, मैं खुद प्रयासरत हूँ। मांगीलाल जी आप दिल्ली गए थे जंतर मंतर पर, आपने आंदोलन किया, वहाँ क्या नेताओं से मुलाकात हुई, वित्त मंत्री से या फिर आपको खाली हाथ लौटना पड़ा? नहीं सर, हम इस बार नेताओं से मिलने के लिए, हमको नेताओं से मिलकर फोटो नहीं खिंचवाना था, हमको न तो वित्त मंत्री से मिलना था, न हमको वित्त राज्य मंत्री से मिलना था, न हमको किसी से मिलना था, हमको सिर्फ प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हमको एक बार नारकोटिक्स विभाग की जमीनी सत्ता ही मंत्रालय में वो जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से हमने हमारी डिमांड पहुंचा दी थी। अब असली लड़ाई तो हमारी ये भ्रष्ट अधिकारी अगर नहीं समझेंगे तो हम प्रधानमंत्री के माध्यम से समझाना चाहेंगे इनको। हम लोगों को किसी के साथ बता रहे फोटो खिंचवाएंगे शौक नहीं है, ना हम किसी के साथ गए, हमने तो चलते धरने पर बैठ करके मीडिया के माध्यम से हमने हमारी बात रखी है। मीडिया के माध्यम से जो 5 पॉइंट हमने बताए वो पॉइंट मीडिया के माध्यम से बता दिए, और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री को ज्ञापन भेजा है। इन 5 मुद्दों पे हमारा किसी से न तो मुलाकात हुई, न हम मुलाकात चाहे, हम क्यों नहीं चाहते साहब, क्योंकि पिछले साल हम पंकजी चौधरी साहब को 1-to-1 बात करके आए हैं। आपके पास वीडियो होगा, नहीं होगा तो आप सब करके देख लीजिए, पंकजी चौधरी के साथ में जो हमारे वित्त राज्य मंत्री है उनके आवाज पे पहुंच के हमने कहा था, ऑनलाइन वीडियो बना के दिया था, अफीम दिया ने अधिकारी के दिया है, शशांक यादव पकड़ा गया, वो 8 दिन तक किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रसाद जो एसीपी के द्वारा पेश किए गए वो अधिकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं। हमने किसी भी मंत्री महोदय से मिलना उचित भी नहीं समझा, हमने संवैधानिक दायरे में रहकर के जंतर मंत्र पे हमने हमारी बात रखी है, और जिस प्रकार से भविष्य एमपी के सामने हमने हमारी बात रखी है ठीक उसी प्रकार से मीडिया के समक्ष जंतर मंत्र पे हमने उपस्थित होकर सैकड़ों राजस्थान मध्य प्रदेश के किसानों ने यूपी के कुछ भाई भी थे सरकार तक बात पहुंचाई है साहब। तो ये थे अफीम किसान नेता मांगीलाल जी बिलोट, जिनसे हमने बात की किस तरीके से नई अफीम नीति 2022-23 में वह बदलाव चाहते हैं और लगातार वे अफीम किसानों के साथ आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वे दिल्ली तक जा पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने जो है प्रशासन को जगाने के लिए एक आंदोलन किया था। यह था आप तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।